Dr. Kadam Nagpal. So I am head of neuroimmunology and movement disorders at Manipal Hospitals, Dwarka. So today we are discussing, as we are approaching World Parkinson Days on the 11th of April. So आज हम आपको सिर्फ अवेयर कराएंगे कि पार्किंसन डिजीज बीमारी है क्या, इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या मैनिफेस्टेशन हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वॉट एग्जैक्टली वी कैन डू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस एलिमेंट. So basically, Parkinson's disease is some kind of a neurodegenerative ailment which happens because of there is a deficiency of a neurotransmitter by the name of dopamine inside the brain cells. So dopamine एक ऐसा neurotransmitter होता है जो आपकी locomotion को help करता है और आपके movements को enhance करता है. तो जहाँ पे ये neurotransmitter की कमी होने लग जाती है तो patients को उसकी manifestation दिखने लग जाती है, जैसे कि slowness in their activities of daily living. वो धीरे धीरे करके हर कार्यशैली में स्लो होते चले जाते हैं, साथ में ट्रेमर्स होना जिसे हम कंपन कहते हैं. कंपन एक ऐसा साइन है जो कि पार्किंसन डिजीज का एक टेलटेल साइन होता है, जिसमें रेस्ट ट्रेमर्स मिलते हैं. तो पेशेंट्स जब आइडल बैठे होते हैं तो ट्रेमर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं और किसी कार्य में अगर वो इनग्रॉस हो जाते हैं तो वो ट्रेमर्स लिटरली डिसअपियर कर जाता है. बीमारी जब शुरू होती है तो बॉडी के एक ही हिस्से में होती है, तो इट्स बेसिकली यूनिलैटरल टू स्टार्ट विद, एंड एज द टाइम प्रोग्रेसेज एंड एज द डिजीज प्रोग्रेसेज इट बिकम्स इवेंचुअली बाइलैटरल. तो वो दोनों तरफ बॉडी के हिस्सों में अफेक्ट करने लग जाती है. साथ में इसी बीमारी के साथ में जो अन्य मैनिफेस्टेशन देखे जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिजिडिटी और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी. तो पेशेंट इतने स्टिफ होते चले जाते हैं धीरे धीरे कि अपना उनकी मूवमेंट्स, उनके खाना खाने की क्षमता, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके अफेक्ट करने लग जाती है. और धीरे धीरे इस बीमारी में पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, जिसमें फॉल्स भी देखे जाते हैं, वो काफ़ी लेटर इन द स्टेजेस में पता चलते हैं. इस बीमारी के सिम्टम्स बहुत ही सटल हो सकते हैं. कभी कभार पेशेंट सीधा ऑर्थोपेडिक से पास जाते हैं फॉर फ्रोजन शोल्डर, स्टिफनेस लेके, और पता चलता है कि ये पार्किंसन के अर्ली लक्षण हैं. कई लोगों की हैंडराइटिंग छोटी होने लग जाती है और कई लोगों को स्लोनेस ट्रेमर्स के लक्षण दिखने लग जाते हैं जो कि वो इग्नोर कर जाते हैं. तो इन सिम्टम्स को डिफाइन करना, इन सिम्टम्स को देखना और ट्रीट, अर्ली ट्रीटमेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट्स हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड राइट अवे बाय अ न्यूरोलॉजिस्ट हू इज ट्रेन्ड इनटू ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज एंड अदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स, एंड देन साइमल्टेनियसली दीज पेशेंट्स आर पुट अप ऑन ट्रीटमेंट मोडालिटीज कि जिसमें डोपामीन करके कुछ दवाइयाँ आती हैं या डोपामीन जैसी दवाइयाँ जिसे हम लोग डोपामीन एगोनिस्ट कहते हैं, in order to alleviate the symptoms of Parkinson. Patients have to be trained well that simultaneously with the medication, physiotherapy and rehabilitation is something which has to continue for a very long period of time. हम अपने पेशेंट को अक्सर बताते हैं कि बीमारी से आगे बढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि बीमारी तो आपको कैचअप करेगी करेगी. लाइक एनी न्यूरो डिजेनरेटिव एलमेंट इट विल प्रोग्रेस. देर इज नो क्योरेटिव ट्रीटमेंट फॉर इट, बट येस अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इनिशिएशन कैन रिजल्ट इन increased mobility and lack of disability in type 2.